10 टन सरिया के साथ राजनगर पुलिस ने बिहार के गया से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें, सरायकेला जिला अंतर्गत राजनगर थाना पुलिस ने रुंगटा माइन से 29 टन सरिया गायब करने के मामले में बिहार के गया जिले के डोबी थाना क्षेत्र के नवाडी से ट्रक मालिक अखिलेश कुमार को 10 टन सरिया के साथ गिरफ्तार करने आई हिरासत में भेज दिया। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि पटना स्टील ट्रेड्स में कार्यरत रविकांत पांडे ने लिखित शिकायत के आधार पर एक टीम गठित करते हुए मामले का अनुसंधान किया। इसी क्रम में ट्रक के मालिक अखिलेश कुमार के घर पर छापेमारी की गई, जहां से 10 टन सरिया बरामद किया गया है। उन्होंने बताया है कि बाकी सरिया अखिलेश कुमार ने अपने नव निर्मित मकान में लगाने की बात कही है। राजनगर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर गायब हुए 29 टन सरिया में शामिल अभियुक्तों का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। 24/12/2021 को एक पटना के व्यक्ति आए थे, उनका नाम रविकांत पांडे था। उन्होंने एक लिखित आवेदन दिए कि उनका सरिया जो है रुंगटा माइन से लोड हुआ था, लगभग 29 टन सरिया था, वो लोड हुआ था पटना के लिए, लेकिन पटना ना पहुंच करके बीच रास्ते से ही गायब हो गया सरिया। उसके बाद हमने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए और उसके बाद FIR दर्ज करते हुए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गया गया और उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया एवं सरिया भी बरामद किया गया है। एक ड्राइवर और एक ये मालिक था, गाड़ी मालिक है, जो अभियुक्त मेन अभियुक्त था वो गाड़ी मालिक है, जिसका नाम अखिलेश यादव है, एक की हुई है, उसका गिरफ्तारी के लिए चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। 29 टन माल था जिसमें से 10 टन बरामद हुआ है और बाकी के बारे में पूछताछ किया गया तो बताया कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा था, उसी में लगाया गया है।